आज 24 जनवरी और शाम को आरआरआर का फाइनल नॉमिनेशन, ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि आरआरआर किन किन कैटेगरीज में कम्पीट कर रही है या नहीं। आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की, और जो ग्लोबल सक्सेस आरआरआर को मिला है, जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, एंड इट्स वी फील प्राउड। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए।